जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरी पड़ी है। पवित्रता के अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी में कई चमत्कार और रहस्य हैं। जगन्नाथ मंदिर के ये चमत्कार और रहस्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत हैं और जिनकी अभी तक तार्किक व्याख्या नहीं है। हर 12 सालों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रहने वाले ब्रह्म को मूर्तियों के एक नए सेट में स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुष्ठान हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन किसी ने भी ब्राह्मण को नहीं देखा। यह बताया जाता है कि जब उनके जाने के बाद भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, अग्नि उनके हृदय को जला नहीं पाया और इसलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर का ब्रह्म भगवान कृष्ण के दिल के अलावा कुछ नहीं है। मित्रों, इसके अलावा मंदिर के ऊपर झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। यह देखा गया है कि जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर सजने वाला झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के ऊपर कोई विमान और कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। इसके विपरीत ऐसा पहलू भारत के किसी अन्य मंदिर में दुर्लभ है। साइट वास्तव में नो फ्लाई जोन है, जिसे किसी भी राज्य की शक्तियों द्वारा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दैवीय शक्तियों द्वारा इस घटना का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के गुंबद के शीर्ष पर सुशोभित चक्र सुदर्शन की ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन 1 टन जितना है। अविश्वसनीय तथ्य यह है कि यह चक्र पूरी शहर के हर कोने से दिखाई देता है। इसकी स्थापना इस तरह से की गई है जिससे आपको ऐसा महसूस होगा मानो यह आपकी स्थिति से बेपरवाह है। दिन के किसी भी समय ध्वजा स्तंभ की कोई छाया नहीं। मंदिर की संरचना ऐसी है कि यह दिन के किसी भी समय छाया नहीं बनता। यह अभी भी तय किया जा रहा है। क्या यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है यह एक घटना है जिसे केवल ईश्वरीय कांटे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मंदिर में एक ही दिन में तैयार किया गया प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और न ही कमी होती है। यह सभी भक्तों को पूरा करता है। मंदिर के पास में एक समुद्र है जो दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है, जबकि भूमि से हवा शाम को समुद्र की ओर बढ़ती है। हालांकि पूरी में भौगोलिक कानून भी उल्टा है।